शमशाबाद में बारिश की कमी के चलते किसानों की सोयाबीन धान की फसल इल्ली के प्रकोप से खराब हो गई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इन पीड़ित किसानों के गांवों का एक कांग्रेस नेता सिंधु विक्रम सिंह ने दौरा किया और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना है। किसानों के साथ खेतों में जाकर खराब हुई फसलों का निरीक्षण कर नुकसान की उन्होंने जानकारी ली है। साथ ही सरकार से खराब फसल का सर्वे कराकर मुआवजा की मांग भी की गई है। सरकार पर किसान हितैषी सरकार के दावों पर निशाना भी साधा है। पहले तो खेतों में इल्लियाँ लग रही हैं और बारिश ना होने से फली नहीं लगी सही से। फली लग भी गई तो उसमें इल्ली लगी हुई है। तीन तीन चार चार बार दवाई छींचने के बाद तो भी इल्ली नहीं मर रही है। अब नकली दवाई है, क्या है, कैसी प्रशासन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हो? का दौरा करा है और हर जगह फसल में सोयाबीन में बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो पानी की वजह से नुकसान है, दूसरा इल्ली का प्रकोप इस साल बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्मी रही, उमस रही, बारिश हो नहीं पाई। तो हम लोगों ने जो कम से कम लगभग मैं 21 से 22 गाँव में गया हूँगा, मुझे हर जगह काफ़ी नुकसान नज़र आ रहा है। हम लोगों की प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शीघ्र इसका आकलन कराएं और बीमा कंपनी को आदेशित करें।